अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम टू स्ट्रोक ब्रश कटर का इंजन ओवरऑल करेंगे। तो ये मैंने इसका पिस्टन उतार के ये वाला उतारा है इसका। तो ये इसका ख़राब हो गया था, ये देख सकते हैं आप, इसके ऊपर खराशी आ गई। इस वजह से जो है ना मशीन फिर स्टार्ट नहीं होती। ये सारा इसका पिस्टन जो है ना वो फारक हो गया, साथ में इसका ये सिलेंडर भी है। जिस तरह ये पिस्टन के ऊपर निशान है, इसी तरह सिलेंडर के अंदर भी है। तो जब आपकी मशीन स्टार्ट ना हो रही हो, तो आप इसका ये साइलेंसर खोल के ना, ये वाला साइड यहाँ पे साइलेंसर लगा होता है, ये खोल के आप चेक कर सकते हैं कि यार ये पिस्टन पे अगर निशान वगैरह है, ख़राब है, तो फिर वो स्टार्टिंग नहीं लेगा जब तक आप इसको चेंज नहीं करेंगे। तो अभी हम मैंने इससे ये उतार दिया है, ये नया पिस्टन लगा दिया है, ठीक हो गया। तो ये टू स्ट्रोक मशीन है, 52 CC की है। इसका ये इंजन ओवरऑल मतलब कंप्लीट ओवरऑल हो जाएगा जब आप ये हेड और रिंग पिस्टन इसके लिए सारा कुछ लगाएंगे, तो इंजन आपका दोबारा से नया हो जाएगा। ये टू स्ट्रोक है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका भी हम सिलेंडर लगाएंगे, ठीक है, ये नया सिलेंडर है। और ये इसके बाद हड्डी मैंने लगा दी है, कार्बोरेटर हड्डी, ठीक हो गया। तो इसको लगाने का तरीका ये होगा कि ये जो आपके रिंग है, ये इस कट में फंसेंगे, ये वाला कट जो है, इन दोनों के जो रिंग के जो मुंह है, ये दोनों हड्डी की तरफ होने चाहिए, सिलेंसर की तरफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये इसको आपने आयल वगैरह लगा देना, मैंने लगाया हुआ, ठीक है। तो इसको आप इस तरह प्रेस करेंगे ऊपर वाले रिंग को, और पीछे से सिलेंडर के साथ ऐसे दबाएंगे, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले जो रिंग है उसको आप प्रेस करेंगे अच्छी तरह, मगर ये आपने ध्यान रखना है कि कट में बैठ जाए। अगर कट में नहीं बैठेंगे तो आप उसको ज़ोर लगाएंगे तो आपकी ये रिंगें टूट जाएगी, ठीक है। ये कट में बैठ गई है। उसके बाद नीचे जो जेन रखा है उसको सीधा करना, ये इसको ऐसे फिट कर देना, ठीक हो गया। तो इसके ये काबले हैं चार, ये इसके चार काबले हैं सिलेंडर के। तो ये मशीन की मदद से लगाएंगे ताकि जल्दी से ये लग जाए। और ये आप मैकेनिक के बगैर भी, खुद भी आप मार्केट से ये सिलेंडर लेके आप इसको लगा सकते हैं, ठीक हो गया। सिर्फ आपने ये चेक करना है कि आपका जो इंजन है उसको चार काबले खोल के आप अपने इंजन को मतलब रिंग पिस्टन चेक कर सकते हैं कि यार ये ठीक है या ये ठीक नहीं है, इस पर खराश निशान वगैरह तो नहीं है। वो बहुत ही आसान काम है। ये काबले लग गए इसके, ठीक है। ये इसका एक काबला जो है वो 5 mm का लगा, वैसे 4 mm का होता है, तो ये 5 mm का हमने इसलिए लगाया क्योंकि इसका जो नीचे जो साइड है वो इसका ना मतलब खराब स्लिप हो गया था, तो उसके अंदर हमने 5 mm का मूस लगाया और 5 mm का काबला लगा दिया। वैसे इसके चारों काबले 4 mm के ही होते हैं, 5 mm के नहीं होते। काबले इसके अंदर थोड़े से फंस गए, ठीक है दोस्तों। तो ये लग गया, तो ऐसे चेक करेंगे आप, बिल्कुल स्मूथ हो गया ये, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसका ये कार्बोरेटर हम लगाएंगे, कार्बोरेटर भी इसका तकरीबन ख़राब हो गया। ये स्टार्टिंग पेट्रोल ऊपर यहाँ से खींच रहा है, मगर आगे इंजन में पेट्रोल नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसके कार्बोरेटर जो है वो भी हम चेंज करेंगे। ये इसका कार्बोरेटर है, ठीक हो गया। तो ये कार्बोरेटर जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे इस तरह लगाएंगे। उसके बाद ये इसका जैन है, ये जैन ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अगर आपने कार्बोरेटर चेक करना हो कि आपका कार्बोरेटर ठीक है या ख़राब है, जब आप इंजन ये रिंग पिस्टन नया जिस टाइम लगाते हो उस टाइम आप यहाँ पर थोड़ा सा पेट्रोल डालेंगे और प्लग लगा के स्टार्ट करेंगे तो मशीन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो गया।
जब आप कार्बेटर लगाएंगे और मशीन स्टार्ट नहीं होगी तो आप समझ जाना कि ये कार्बेटर ख़राब है, क्योंकि वो फिर पेट्रोल ये निपल में तो आ जाएगा मगर ऊपर नहीं जाएगा। और ये जेन जो कार्बेटर का जेन है ये अपने अच्छी तरह इसको बिठाना है ताकि ये फिर हवा ना लीक करे। अगर ये लीक होगा हवा लेगा तो फिर आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। ये लग गया, इसके बाद हम इसका सिलेंसर लगाएंगे। ये इसका सिलेंसर है, ये सिलेंसर इस साइड पे लगेगा ऐसे, ये सिलेंसर का जेन है। और इसको हम इसी से टाइट कर लेंगे। अब जब आपकी मशीन चेक करनी हो आपने कि इसका इंजन ठीक है या नहीं ठीक है, तो आप ये सिलेंसर खोल के चेक कर सकते हैं। बाकी आपको ये सिलेंडर खोलने का मतलब ज़रूरत नहीं है। तो आप सिलेंसर को खोलेंगे तो आपको पिस्टन नज़र आ जाएगा, आप किक मारेंगे तो पिस्टन नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये सिलेंसर लग गया इसका। अब इसका हम स्पार्किंग प्लग लगाएंगे। ये इसका प्लग है, प्लग भी नहीं लगाएंगे। ये प्लग लग गया। उसके बाद इसके नीचे वाले पाइप हम लगाएंगे, कार्बोरेटर वाले पाइप जो है। और ये इसका जो है ना, ये करंट वाली जो कॉइल की तार है ये साथ लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये तार लग गई है। उसके बाद हम इसको किक मार के चेक करेंगे। देखें बिल्कुल नए की तरह इसका साउंड हो गया, नई मशीन की तरह। तो अभी हम इसको पेट्रोल डाल के स्टार्ट भी करवाएंगे, आपको चेक करवाएंगे इसको। ये दोस्तों इसकी कंप्लीट फिटिंग हो गई, रिंग पिस्टन इंस्टॉल करने की, रिंग पिस्टन मतलब डालेगी। और इसके बाद तो दोस्तों इसके अंदर मैंने पेट्रोल मोबिलेल मिक्स डाल दिया है। ठीक है, ये इसका फ्यूल टैंक में। और अभी हम इसको जो है ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी इसके अंदर पेट्रोल जो है वो कम है, उसकी वजह से ये बंद हो रहा है। तो इसका जो रिंग पिस्टन अगर आप जिस टाइम डालोगे तो आपकी मशीन पहले से दो किकों में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आपने इसके अंदर ये टैंक में जो है ना पेट्रोल मोबिलेल मिक्स करके इसको फुल करना है और इसको रनिंग पे छोड़ देना है। कम से कम एक घंटा इसकी रनिंग करनी है, उसके बाद आपने इस पर जो काम करना है उसके बाद करना है। ठीक है, रनिंग लाजमी करनी है क्योंकि ये इंजन कम्प्लीट नया हो जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद इसका जो मोबिलेल का रेशो है वो आपने मतलब ठीक रखना है, क्योंकि अगर मोबिलेल फिर आप कम डालेंगे तो फिर जो है ना इसका इंजन सीज हो जाएगा। मोबिलेल का ध्यान लाजमी रखना है। ठीक है दोस्तों, तो दुआओं में याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में इसकी कॉयल के मुताबिक आपको बताऊँगा और इसका जो मैगनेट व्हील के आगे जो क्लच लगा होता है उसके बारे में बताऊँगा।